हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा। फ्रेंड्स, आई एम गेटिंग सो मैनी मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट टू डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट्स व्हाट दे रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फीस एंड काउंसलिंग। सो आई थिंक योर स्पेलिंग इज रॉन्ग फॉर फीस। सो बेसिकली वी विल डिस्कस व्हाट अमाउंट यू रिक्वायर्ड or you need to submit at the time of admission and subsequently for the semester wise. And counseling, we will discuss how counseling happen and what are the steps you need to understand, right? So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। बेसिकली ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं यूट्यूब पे, अगर आप ऑलरेडी उनको देख चुके हैं और समझ चुके हैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट एज वेल, राइट? So first thing you need to understand what document you need to submit is like NIPER JEE 2021 application form printout. Like दो copies आपको लगेंगी NIPER JEE 2021 का application form की। मैंने already आपको group में कहा था कि आपका जो भी NIPER JEE 2021 का application form है उसका आप printout लीजिए, या उसका आप जो भी soft copy है उसके download कीजिए और उसको save कर दीजिए for future के लिए, क्योंकि डेफिनेटली फ्रेंड्स ये लगती है और अभी आप देख रहे हैं कि आपको ये सबमिट करनी पड़ेगी। तो अभी भी अगर सम स्टूडेंट डोंट हैव देयर सॉफ्ट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, सो दे कैन डाउनलोड इट नाउ एज वेल, बिकॉज देयर इज अ ऑप्शन एट द NIPER हैदराबाद ऑफिशियल साइट टू डाउनलोड द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सो यू कैन गो एंड डाउनलोड राइट नाउ एज वेल, राइट? दूसरी चीज जो आपको लगेगी दैट इज द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बिकॉज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इज यूज फॉर द प्रूफ ऑफ एज एज वेल एज द करेक्ट नेम। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के, सो मेनी स्टूडेंट्स आर मैसेज मी रिगार्डिंग द इनकरेक्ट नेम इन देयर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। सो इन दैट केस व्हाट आई सजेस्ट, यू बेसिकली गो फॉर द कोर्ट्स एंड टॉक अबाउट सम ऑफिशियल गजट। लाइक इफ दे रिलीज सम ऑफिशियल गजट फॉर योर नेम, सो इट विल बी परफेक्ट, राइट? यू डोंट वरी अबाउट दैट थिंग एज वेल। थर्ड चीज जो आपको लगेगी फ्रेंड्स वो है मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स एंड ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। लाइक आपको बी फार्मा आपने की, उसकी आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए। अब देखिए, लास्ट सेम मार्कशीट, आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग देयर एग्जाम इन दिस मंथ ओनली, सो इन दैट केस मे बी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू प्रोवाइड द फाइनल ईयर मार्कशीट और फाइनल सेम मार्कशीट बिफोर काउंसलिंग, सो इट्स फाइन। There is a separate process for that as well, so I will discuss that in this video. And then GPAT, GATE and NET valid scorecard wherever it is applicable, means whatever is applicable for you. If you apply with GPAT scorecard, then you need to provide the GPAT scorecard, right? If GATE and NET, then these are required. Then online जो आपका exam हुआ उसका एडमिट कार्ड ऑफ NIPER JEE 2021 का, एंड ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। बेसिकली इट विल बी फ्रॉम द योर क्वालिफाइंग डिग्री, राइट? फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड योर क्वालिफाइंग डिग्री, सो दैट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड यू द ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। नाउ अदर थिंग्स लाइक सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन, इफ यू बिलोंग फ्रॉम द एनी कैटेगरी लाइक OBC, SC, ST, EWS, then you need to present a certificate there, right? Certificate of disability is also need for those candidate who are disabled. Self attested copy of Aadhaar card, so Aadhaar card ki self attested copy bhi aapko wahan pe submit karni padegi. Ab dekhiye, those students who don't have their last sem or last year qualifying degree, unko kya karna padega? They have basically talk, they need to talk about with their university registrar, right? So अब registrar क्या करेगा? Basically registrar जो भी है उसको अपनी official email ID से एक confidential result भेजना पड़ेगा NIPER हैदराबाद को, like this email ID पर, like admission@niperhyderabad.ac.in, इस पे उसे एक कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट भेजना पड़ेगा जिसमें वो मेंशन करेगा यस दिस स्टूडेंट इज बिलोंग फ्रॉम अवर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, एंड वी विल प्रोवाइड यू द कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट दैट ही और शी विल पास द लास्ट सेम और लास्ट ईयर एग्जाम। सो इट्स टाइप ऑफ कॉन्फिडेंशियल लेटर, मीन्स ही इज
giving a confidential letter and to the NIPER Hyderabad. That's it, our guarantee that this students, he or she will pass the last same or last year exam. So that's simple. अगर आपका result पेंडिंग में है या आपको लगता है कि आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा काउंसलिंग पे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अभी काउंसलिंग के टाइम पे तो आपका चल जाएगा राइट, लेकिन आपको टाइम ऑफ एडमिशन जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन आपका होगा एक पर्टिकुलर नाइपर में तो उस टाइम आपको लगेगा और तब तक मुझे उम्मीद है कि आप सबका रिजल्ट आ जाएगा राइट. अगर नहीं भी आता है तो यू कैन फॉलो दिस स्टेप राइट. ऑन वन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्सेप्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट को छोड़ के आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे लिस्टेड किए हैं इन सब को सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि आप सबको इन पे साइन करना है एक्सेप्ट माइग्रेशन. और माइग्रेशन जो लगेगा ना वो ओरिजिनल फॉर्मेट में ही लगेगा और इन सब की आपको कॉपी लगने वाली है सारे डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको लगाना पड़ेगा राइट. अब देखिए एज यू नो द काउंसलिंग इज ऑनलाइन, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप हार्ड कॉपी तो सबमिट कर नहीं पाएंगे इन सारे डॉक्यूमेंट्स की, जैसा कि लिखा हुआ है टू प्रिंट आउट आपको सबमिट करने हैं, तो ये ऑनलाइन में थोड़ी सबमिट होगा. तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट कंपाइल ऑल द स्कैन कॉपी और पीडीएफ ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स एंड मेक ए कंबाइंड पीडीएफ ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, लाइक इट विल बी ए सिंगल फाइल. अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स सम अनेक्सर एज वेल आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. बेसिकली आपको एक मेल आएगा, आप यू विल रिसीव ए मेल फ्रॉम द अलॉटेड नाइपर राइट. उसमें आपको मेंशन किया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं पर्टिकुलर इस मेल आईडी पे सॉफ्ट कॉपी, तो उस कंडीशन में आपको वो पीडीएफ वहां पे भेज देनी है. और जब आप पर्टिकुलर नाइपर में जाएंगे इन फ्यूचर तो वहां पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा डॉक्यूमेंट्स का, उस कंडीशन में आपको इन सब की हार्ड कॉपी वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी राइट. उनकी प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, उनकी जीरोक्स आपको वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन. अब देखिए ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स जनरल, अब कुछ अनेक्सर की बात कर लेते हैं. सो मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग एफिडेविट कि काउंसलिंग के टाइम पे जो एफिडेविट है, काउंसलिंग के लिए जो एफिडेविट लग रहा है वो कब सबमिट करना है, व्हेन दे विल नीड टू सबमिट इट. सो फॉर दैट लेट मी टेल यू, जो एफिडेविट है उसको आपको बनवा लेना है पहले. बनवाने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको एक फॉर्मेट जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है. उस कंडीशन में आप करें क्या कि उसको एक बार देख लें और उसी हिसाब से आप अपना उसको तैयार कर सकते हैं. जैसा कि आपको जो एफिडेविट की वर्ड फाइल वहां पे मिली है उसका आप प्रिंट आउट लें A4 साइज पेपर पे और उस पे स्टैंप अटैच करवा दें रेट 10 की, उसी के साथ उसको नोटराइज करा दें बाय नोटरी के द्वारा, दैट्स इट. इतना करने के बाद अब होगा क्या, व्हेन काउंसलिंग पोर्टल विल ओपन यू विल गेट एन ऑप्शन देयर टू अपलोड दैट एफिडेविट. सो इन एट दैट टाइम यू नीड टू अपलोड दैट एफिडेविट टू इनिशिएट योर काउंसलिंग प्रोसेस राइट. सो अभी आप रिलैक्स हो जाएं, उसको बनवा के रख लें, बिकॉज वो सबको लगने वाला है जो भी काउंसलिंग अटेंड करेंगे. डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट्स को वो लगेगा ही लगेगा जो भी काउंसलिंग अटेंड करेंगे. अब देखिए काउंसलिंग अटेंड करने के लिए तो एफिडेविट हो गया, लेकिन ये जो अनेक्सर है ना नेक्स्ट टाइम 1, 2, 3, 4, 8, अब इनमें देखिए 1 है जो मेडिकल सर्टिफिकेट, 2 है स्पॉन्सर कैंडिडेट, यानी कि स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट लगेगा. 3rd जो है वो अंडरटेकिंग है बाय स्टूडेंट्स. अब 3rd एंड 8th जो हैं इनको नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पे विद रेट ऑफ 50 और एबो, वट एवर इज फिजिबल फॉर यू यू कैन गो विद दैट. लाइक नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पे आपको प्रिंट लेना है इनका और उसके साथ आपको इनका नोटराइज कराना है, यानी कि नोटरी पे आप इनको भी अटेस्ट आपको करवाना है. अगर आप 4 की बात करें और 1 की बात करें तो ये आपको सिंपल रखने हैं, फिल करने हैं. ये आपको जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उससे आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. लेकिन देखिए अभी जो काउंसलिंग के लिए आपको लगेगा एफिडेविट लगेगा सिर्फ, लेकिन ये जो सब हैं ये आपको एक रेस्पेक्टेड जो आपका पर्टिकुलर नाइपर आपको जहाँ पे सीट अलॉट हुई है वहाँ पे ये सब चीज़ आपको सबमिट करनी पड़ेंगी. तो अगर आपका एडमिशन हो तो आप इनको तभी बनवाइए, यानी कि ये आपको डेफिनेटली बाद में बनवाने हैं जब आपका एडमिशन हो जाए. अब आप जाहिर सी बात है कि अगर आप इनको पहले बनवा लेंगे और आपका एडमिशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में इनमें जो पैसा आप वेस्ट करेंगे, जो आपका टाइम जाएगा वो वेस्टेज ही है एक तरह से, है ना. तो अगर आपको एडमिशन मिलता है तो इन दैट केस यू विल प्रोसीड विद दीज अनेक्सर, अदरवाइज यू डोंट नीड टू प्रोसीड विद दीज ऑल अनेक्सर राइट.
सो सबसे पहले लेकिन आपको एफिडेविट रेडी कर लेना है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए वो तो लगने वाला है। अगर काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिल जाता है तो उस कंडीशन में आप इन सारे एनेक्सियर के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आपको इनके साथ नहीं जाना। इनके लिए टाइम आपको और पैसे आपको वेस्ट नहीं करने, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट आस्किंग कि दूसरे जो एनेक्सियर हैं वो कब भराने हैं, उनको बनवा लें उनको क्यों। अभी अभी काउंसलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो अभी आपको ये सब चीज़ नहीं करनी है। अभी आपको जो बनवाना है वो एफिडेविट बनवाना है, राइट। तो अभी आप एफिडेविट को बनवाइए, उसके बाद जब एडमिशन हो जाए डेफिनेटली आपको ये सब बनवा लेने हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, फीस और जो पेमेंट है वो कितनी रहने वाली है। देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली आपको जो लास्ट में आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करनी है और नेक्स्ट सेम से सबमिट करनी है वो जस्ट मेंशन की है। लाइक एमएस, एमफॉर्म और एमटेक के लिए जो आपको देनी है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी या पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको 87,000 वहाँ पे पेमेंट करनी है। एंड फॉर एससी कैंडिडेट आई थिंक इट्स रॉन्ग बट इट्स अराउंड 66,000, सो यू कैन चेक इट विद द ब्राउचर, ऑफिशियल ब्राउचर ऑफ नाइपर हैदराबाद, राइट। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए 1,39,000 अराउंड। और फिर ये होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इसमें कुछ क्वेश्चन मनी इंक्लूडेड है जो कि रिफंडेबल है एट द टाइम व्हेन यू विल कंप्लीट योर डिग्री, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सेम से फिर आपको देनी है 43,000, 22,000 एंड 76,000 विद योर कैटेगरी, राइट। एमबीए के लिए अगर हम बात करें, एमबीए के लिए जो आपको एडमिशन के टाइम पे देनी है 1,47,000, 54,000 फॉर एससी एसटी एंड स्पॉन्सर्ड के लिए 2,52,000। नेक्स्ट सेम के लिए आपको फर्दर फिर इतना ही हिसाब से आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी फीस। तो ये था फीस पेमेंट का सिस्टम, यानी कि ये फीस जो सबमिट होगी फ्रेंड्स ये ऑनलाइन होगी, और ये कब होगी ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए ये सब कुछ हो गया, यानी कि आपको अगर वो पार्ट पता था तो अगर तो आपने डेफिनेटली वो स्किप कर दिया होगा, आप यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस पे आ गए होंगे। अब देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है। You will get an email from the NIPER Hyderabad with username and password. ठीक है, अब इस username और password को आपको official site पे जाना है। You have to go to the official site and sign in or log in with these username and password. So in that case, you have to register yourself for counseling process with submitting by submitting the fees of 500 फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट एंड 1,000 फॉर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट। अब देखिए एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, राइट। अब नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका काउंसलिंग में एडमिशन हो जाता है तो उस कंडीशन में तो आपको यहाँ पे जो ये आपकी फीस है वो एडमिशन फीस में इंक्लूड हो जाएगी। लाइक अगर आपकी फीस जो ऑनलाइन है वो आपने सबमिट करनी है 44,000, तो उस कंडीशन में आप अगर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो 1,000 घटा के वहां पे 43,000 सबमिट कर सकते हैं, और ये आपको करने की जरूरत ही नहीं। जब आप फीस पेमेंट करेंगे अगर आपका एडमिशन हुआ है तो वहां पे ऑलरेडी आपको वो घट के टोटल फीस सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो इन दैट केस इट विल बी नॉन रिफंडेबल, ये आपको नहीं मिलने वाली वापस, राइट। अब आपने क्या किया कि काउंसलिंग प्रोसेस में आपने अपना जो एफिडेविट था वो अपलोड कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया फीस सबमिट करने के बाद। अब आपको देखिए जो काउंसलिंग के राउंड रहते हैं वो अराउंड 3-4 राउंड रहते हैं। इन राउंड में आपको करना क्या है कि पहले राउंड में आपके पास चॉइसेस के ऑप्शन रहेंगे एक पर्टिकुलर विंडो पीरियड में, लाइक 2-3 दिन का एक विंडो पीरियड दे दिया जाएगा। उसके 2-3 दिन बाद आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब देखिए चॉइस के ऑप्शन आपके पास इतने हैं, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर ऑलरेडी, आई थिंक 50 ऑप्शंस विल बी देयर, बट वन कंडीशन रिमेंबर, वट एवर योर रैंक, on the basis of your rank you will be eligible to make choices of the courses, right। अगर आपकी rank suppose कीजिए 2000 है और इस rank पे आपको 5 branch ही मिलने वाली हैं, तो I think कि आपको वहाँ पे 5 branch ही show होंगी आपके लिए, फिर वो 50 choices हैं जो वो matter नहीं करती हैं इस condition में, right। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक जो पर्टिकुलर विंडो पीरियड है उसमें आपको चॉइसेस वहाँ पे फिल कर देनी है, जितनी भी चॉइसेस आपकी आ रही हैं आप चॉइस अब किसी भी हिसाब से देखिए। अगर आपके पास 50 चॉइसेस हैं तो आप डेफिनेटली सारे नाइपर की सारी ब्रांचेस को फिल कर सकते हैं मोस्टली, है ना। होगा क्या कि आपका अगर नाइपर मोहाली में आपको सारी ब्रांचेस चाहिए तो आप सबसे पहले नाइपर मोहाली की सारी ब्रांच सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जैसे भी आपको प्रेफरेंस देनी है उस हिसाब से आप वहाँ पर सारी चीज़ों को सबमिट कर सकते हैं, सारी चॉइसेस को वहाँ पर फिल कर सकते हैं, है ना। अब देखिए चॉइस फिल करने के बाद आपको वो चॉइस सेव कर देनी है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, आपको वो चीज़ लॉक नहीं करनी है। वहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको वो लॉक नहीं करनी है, है ना।
लॉक करने से बेसिकली होगा क्या कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके लिए विंडो पीरियड जो 3 दिन का था, आपने फर्स्ट डे में ही अपनी चॉइसेस हैं जो उनको लॉक कर दिया, तो अब आप इनको रेस्ट 2 दिन जो बचे हैं उनमें चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन चॉइसेस को सेव किया है, लॉक नहीं किया, तो इस कंडीशन में आप 3rd दिन तक इनको चेंज कर सकते हैं और फाइनली आपको लॉक कर देना है अपनी। अगर आप लॉक नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो विंडो पीरियड एक्सपायर होगा उसके बाद ये खुद से ही लॉक हो जाएंगे, है ना। अब फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आएगा तो आपको एक पर्टिकुलर फीस सबमिट कर देनी है आपको, अगर सीट अलॉट हो जाती है, और आपको प्रोविजनल लेटर वहां पे मिल जाएगा, है ना। अब देखिए ये था फर्स्ट राउंड के लिए। अब अगर सेकंड राउंड में सेम रिपीट होगा, सेम रिपीट कहां से होगा, यहां से। मतलब सेकंड राउंड में आपको एक चीज याद रखने वाली ये है कि एक बार जो चॉइस आपने, मान लीजिए आपके पास 50 ऑप्शन थे और आपने 50 ऑप्शन को अप्लाई कर दिया, उसके बाद यही 50 ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं नेक्स्ट राउंड्स में भी। आप ये चॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं, चॉइस जो आपने डाल दी वही आपके लिए चारों राउंड तक चलने वाली है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अगर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है तो सेकंड राउंड में आपको वहां पे अलॉट की जाएंगी अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन चॉइस आपकी चेंज नहीं होंगी, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। अब एक और सिस्टम आता है अपग्रेडेशन का, तो वो मैं अभी डिस्कस करता हूं। थोड़ा सा आपको ये चेंज बता देता हूं कि कैसे कैसे काम करता है। जैसे कि हमने बताया आपको यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा, उसके बाद आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद रजिस्टर करेंगे फीस सबमिट करने के बाद, फिर आप चॉइस सबमिट करेंगे वहां पे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। यहां पे अप और डाउन का मेन्यू रहेगा, आप ऊपर नीचे उनको कर सकते हैं किसी भी हिसाब से, प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। अब जो मैंने बताया कि चॉइस फिलिंग विल बी परमिटेड ओनली वंस, तो ये आपको एक बार ही परमिशन मिलेगी इसकी, उसके बाद यही सारी की सारी चॉइसेस रहेंगी, ठीक है। अगर सीट रिमेन बचती हैं, वैकेंट बचती हैं, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे एडमिशन उन पे मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, आप जिन कोर्स के लिए एलिजिबल हैं वही कोर्स आपको वहाँ पे शो होंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड थिंग इज कि आपको जितना हो सके आप चॉइस वहाँ पे भर दीजिए, वो आपको चॉइसेस सारी मिल जाएंगी वहाँ पे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और ये आपका लॉक करने का जो सिस्टम है वो लॉक कर दें आप उनको, अगर नहीं भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। अब देखिए ये तो आपको अगर सीट मिल गई ठीक है ना, अगर एक सिस्टम वहां पे एक और ऑप्शन है अपग्रेडेशन का। अपग्रेडेशन का क्या है कि लेट्स सपोज आपको एक सीट फर्स्ट राउंड में मिल गई, तो इस कंडीशन में आपको, लेकिन वो सीट आपको नहीं चाहिए, आप सोच रहे हैं कि मैं दो सेकंड राउंड में अपग्रेड करूं, दूसरी सीट मुझे चाहिए। अब होता क्या है, देखिए फर्स्ट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स एबसेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ सीट वैकेंट बच जाती हैं अच्छी अच्छी ब्रांच में भी, तो उस कंडीशन में होता क्या है, उन सीट्स को सेकंड राउंड में दूसरे स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है। अब सपोज कीजिए कि आपको एक सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुकी है, तो आपको करना क्या है कि आप चाहते हैं कि मुझे ये सीट नहीं, मुझे दूसरी सीट के लिए अपग्रेड करना है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, देखिए उस कंडीशन में ये होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 चॉइस फिल की, एग्जांपल के लिए मैं आप बता दूं 5 चॉइसेस यू हैव फिल्ड लाइक एनालिसिस, कोलॉजी, स्यूटिक्स, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स। अब हुआ क्या कि आपको जो आपका फर्स्ट राउंड है उसमें फार्माकोलॉजी मिली, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे एनालिसिस ही मिले, है ना। अब होगा क्या कि फर्स्ट राउंड में से अगर एनालिसिस की कुछ सीट वैकेंट रह चुकी हैं, तो आप अपग्रेडेशन के लिए जब डालेंगे तो वो नाइपर वाले आपकी दोबारा से प्रेफरेंस को देखेंगे, अगर एनालिसिस में वहां पे कोई सीट बची है तो आपको वो सीट दे दी जाएगी। तो इस कंडीशन में अपग्रेडेशन सिस्टम काम करेगा। लेकिन अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई है, वहां पे आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको जो भी फीस है यहाँ पे उसकी पेमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपग्रेडेशन करा पाएंगे। अगर आपने अपग्रेडेशन नहीं कराया और आपने उस सीट पे एडमिशन भी नहीं लिया, तो अल्टीमेटली आपका एडमिशन कैंसिल और आप नेक्स्ट राउंड के लिए अपीयर नहीं है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, तो उस कंडीशन में आप सेकेंड राउंड में ऑलरेडी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और देखिए अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी सेकंड राउंड में भी, डेफिनेटली उनको पहले देखा जाएगा कि अच्छा ये अपग्रेडेशन वाले हैं, तो इनको हम देखते हैं कि पहले राउंड से कुछ सीट वैकेंट बची हैं जो इन्हें हम दे सकें। तो ये था सारा प्रोसेस फ्रेंड्स। हम आगे भी आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा आपको कट ऑफ दे सकूं काउंसलिंग से पहले पहले। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स आप इसको लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन सबके काम की है। तो फ्रेंड्स अब देखिए आपके पास 50 चॉइसेस हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सारी चॉइसेस डाल दीजिए, आपको जो भी सीट मिलनी होगी मिल जाएगी, राइट। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ आपकी काउंसलिंग फीस थोड़ा जाएगी, आप 500 या 1000 रुपीज वो चल जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स एक रिस्क है, लेकिन आपको सीट मिल भी सकती है तो उस कंडीशन में आप काउंसलिंग के साथ जा सकते हैं, है ना। अब फ्रेंड्स एक और चीज़, मैंने नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ी भी आपकी हेल्प की है तो आप उस गूगल फॉर्म को भरें, वहाँ पे आप अपना कौन सा नाइपर आपको चाहिए वो भी डालें, हम देखेंगे कि आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, उस कंडीशन में हम आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।